रेमन मैक्स से अवार्ड फिलिपींस कंट्री देती है इन विच स्टेट नेशनल पार्क लोकेटेड आंसर असम। जलियांवाला बाग मेमोरियल सिचुएटेड है अमृतसर पंजाब में भारत माता पेंटिंग पेंट किया था श्री अबनिंद्रनाथ नाथ टैगोर जी ने निजाम उल मुल्क ने फाउंड किया था स्टेट ऑफ हैदराबाद सो दीज आर आंसर्स ऑफ यस्टरडेज क्वेश्चंस आज के सवाल हैं हवाना अभी हवाना सिंड्रोम काफी न्यूज में havana is the capital of which country what is the si unit of luminous intensity who held the office of vice president of india for two consecutive terms two consecutive terms under which ministry of government of india works the forward markets commission forward markets commission steppes smallest or lightest bone in human body may it is part of which body organ वॉट इज द मिनिमम नंबर ऑफ द जजेज टू डिसाइड एन इशू इनवॉलिंग द इंटरप्रटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन और एनी प्रेसिडेंशियल रेफरेंस जो बेंच बनेगी उसमें कितने नंबर ऑफ जजेस मिनिमम होना चाहिए जब इन दो मैटर पे सुप्रीम कोर्ट को कोई जजमेंट पास करना है सो दीज आर सिक्स क्वेश्चन फॉर टूडे आज की वो है डेक्सटैरिटी डेक्सटैरिटी मतलब वो बहुत निपुण है स्किल इन परफॉर्मिंग टास्क एस्पेश विथ देंड जैसे एम्बीडेक्सटरस मतलब दोनों हाथों का इक्वली वो यूटिलाइज कर पाता है लेफ्ट हैंडेड राइट हैंडेड काउंटेन्स का मतलब होता है एडमिट एज एक्सेप्टेबल और पॉसिबल एक्सेप्टेबल उसको माना गया है बेलफुल है थ्रेटनिंग है हार्म है मेनसिंग है पर पैचुअल पर पैचुअल इंजन मतलब नेवर एंडिंग कंटिन्यूसली वो वर्क कर रहा है

दिस इज़ आई आई पी डेटा ये डेटा रिलीज हुआ है आज हम थ्योरी देखते हैं इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन क्या होता है इसके क्या मायने हैं इसका कॉन्सेप्ट क्या है और बेस इफेक्ट क्या होता है अफगानिस्तान में सिचुएशन अभी भी फ्रेजाइल है एथनिक ग्रुप मैप समझेंगे फिफ्थ टेस्ट मैच कैंसिल हो गया है विल प्रिपेयर वन क्वेश्चन दिस इज मानसून इंडियन मानसून का अब विड्रॉवल स्टार्ट होगा सेप्टेंबर से इन्फ्लेशन रिस्क है होम स्वीट होम वर्क फ्रॉम होम के प्रोज एंड कॉन्स द ट्राइम्स ऑफ द नेशन स्टेट नेशन स्टेट विल टॉक अबाउट मिस्टर शी जिनपिंग जो बाइडन और ये है सेल्यूटिंग अब्दुल हामिद द डिस्ट्रॉयर ऑफ नाइन पाकिस्तानी टैंक परमवीर चक्र तो आज हम इस पर बात करेंगे देन दिस इज ऑस्ट्रेलियन फॉरन मिनिस्टर जियो फोन दिस इज क्लासिफिकेशन ऑफ नेचुरल डिजास्टर विल टॉक अबाउट वन क्वेश्चन

सो so, जो फर्स्ट न्यूज है वो है वेयर द टॉवर्स वंस स्टूड 20 साल हो गए हैं इस 2011 हज़ार ग्यारह नाइन इलेवन मेमोरियल एंड म्यूजियम इन न्यूयॉर्क ऑन फ्राइडे मैनी इनोसेंट पीपल लॉस देयर लाइव्स सो दिस इज होमेज वेर द टॉवर्स वंस स्टूड आगे हम ये भी देखेंगे इस 20 साल में जो वॉर ऑन टेररिज्म हुआ उसके क्या मायने हुए कॉन्सिक्वेंसेस क्या हुए मिडिल ईस्ट में जो अभी क्राइसिस चल रहा है उसको इससे कैसे लिंक करना चाहिए यूएस US जो यूएसएसआर के डिस के बाद वर्ल्ड का नंबर वन पावर बन गया था वर्ल्ड हो गया था यूनिपोलर फ्रॉम बायपोलर टू यूनिपोलर अब इसमें चाइना का राइज और चाइना कैसे चैलेंज कर रहा है यूएस की हेजेमनी को विल अ टॉक सो वेयर द टॉवर वंस स्टूड सेकेंड न्यूज है दिस इज अबाउट आई आई पी डेटा माइनिंग पावर ड्राइव फैक्ट्री आउटपुट टू नियर प्री कोविड लेवल तो माइनिंग और पावर ने जो आईआईपी आई डेटा है उसको अप किया और वो अब प्री कोविड लेवल तक पहुंच गया है दिस इज द न्यूज स्टिल इंपैक्टेड बाय लो बेस तो सबसे पहले तो ये देखते हैं कि ये इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन क्या होता है ये हमने पहले भी कई बार देखा है लेटेस्ट क्विकली रिवाइज ये इंडेक्स है इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का मतलब इंडस्ट्रीज में प्रोडक्शन कैसा हो रहा है किन सेक्टर्स में प्रोडक्शन ज़्यादा हो रहा है मैन्युफैक्चरिंग एटसेट्रा ये इंडेक्स है ये बताता है ग्रोथ रेट्स इन डिफरेंट इंडस्ट्री ग्रुप्स ऑफ द इकोनमी इन अ फिक्स्ड पीरियड ऑफ टाइम ग्रोथ रेट डिफरेंट इंडस्ट्री ग्रुप्स में एक फिक्स्ड पीरियड ऑफ टाइम पे ये कंपाइल और पब्लिश होता है मंथली सो दैट इज़ वाई मंथ के शुरुआत में एवरी टाइम वी रीड अबाउट दिस आई आई पी डेटा दिस इज रिलीज बाय सेंट्रल स्टेटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन सी एस ओ सी एस ओ किसके अंदर आता है मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन के अंदर तो ये एक कॉम्पोजिट इंडिकेटर है बहुत सारे पैरामीटर्स को लेके बना है ये मेजर करता है ग्रोथ रेट ऑफ इंडस्ट्री इंडस्ट्री इंडस्ट्रियलाइजेशन मतलब इकोनॉमिक ग्रोथ दो ग्रुप्स है इसमें एक होता है ब्रॉड सेक्टर दूसरा होता है यूज बेस्ड सेक्टर ब्रॉड सेक्टर्स में आता है जैसे माइनिंग मैन्यूफैक्चरिंग इलेक्ट्रिसिटी यूज मतलब कंजम्पन जैसे बेसिक गुड्स कैपिटल गुड्स इंटरमीडिएट गुड्स फिर बेस ईयर इसका दो हजार ग्यारह दो हजार बारह है आई आई पी का आठ कोर इंडस्ट्रीज होती है और ये एट कोर इंडस्ट्रीज फोर्टी परसेंट ऑफ द वेट ऑफ आइटम्स है तो देट इज वाई इसको कोर बोला जाता है मतलब सौ में से चालीस तो इन आठ इंडस्ट्रीज का ही कॉन्ट्रीब्यूशन है सो दैट इज वाई दे आर कॉल्ड कोर इंडस्ट्रीज इंक्लूडेड इन द आई आई पी आई का सिग्निफिकेंस क्या है ये मेजर करता है आई आई पी इज़ दी ओनली मेजर ऑन द फिजिकल वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन मतलब स्टील बन रहा है कितना स्टील बन रहा है इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है किस वॉल्यूम में इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है तो ये क्या हुआ है हेड्स हो गए इकोनॉमिक को आप इकोनॉमी को आप ऐसे तो गेज नहीं कर पाओगे इंडिया इज अ बिग कंट्री कि इकोनॉमी बढ़ रही है श्रिंक हो रही है प्रोडक्शन लेवल क्या हो रहा है तो ये चीज क्या होती है ये चीज़ कहलाती है इंडिकेटर्स मतलब आप देखो कि सीमेंट जैसे ज्यादा हो रहा है तो इसका मतलब क्या है बिल्डिंग्स बन रही है कंस्ट्रक्शन हो रहा है सीमेंट कंजम्पशन स्टील अगर ज्यादा हो रहा है मतलब स्टील का कंजम्पशन बढ़ रहा है तो दिस स्टेल्स इकोनॉमिक एक्टिविटीज बढ़ रही है फ्यूल ऑटोमोबाइल सेल ज़्यादा हो रही है मतलब ज़्यादा गाड़ी है लोगों के पास इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी आ रही है तो दीज आर इंडिकेटर्स इन इंडिकेटर्स के थ्रू हम गेज करते हैं स्टेट ऑफ इकोनॉमी को तो इट इज़ अ मेजर ऑफ़ फिजिकल वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन ये यूज होता है गवर्नमेंट एजेंसीज जैसे कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस आर फॉर पॉलिसी मेकिंग परपज अब हमें पॉलिसी बनाना है पॉलिसी बनाने के लिए डेटा होना चाहिए ट्रेंड पता होना चाहिए नंबर्स होने चाहिए जिसको देख के आप डिसीज़न लो तो वो डिसीजन आता है आई के डेटा से IIP remains extremely relevant for the calculation of the quarterly and advanced GDP estimates. GDP भी क्या होता है साल भर के अंदर final goods and services का जो production जो भी हुआ है economic activity उसका calculation होता है GDP. GDP India की territory में साल भर में final goods and services. So that is GDP. तो IIP डेटा इसलिए भी बड़ा इम्पोर्टेंट है बिकॉज कोविड नाइन्टीन के लॉकडाउन के कारण इकोनॉमी जो वैसे ही बुरी हालत में थी और ज़्यादा पिट गई सो so हम बड़े ऑप्टिमिस्टिकली और पॉजिटिवली इस IIP डेटा को देखते हैं कि चीज़ें बेहतर हो रही है या नहीं हो रही हैं अब नंबर्स तो बढ़ गए बट इन नंबर्स को ज़्यादा सीरियसली नहीं लेना चाहिए बिकॉज़ यहाँ पर आता है बेस इफेक्ट बेस इफेक्ट क्या होता है जैसे इन्फ्लेशन का जो बेस इफेक्ट है इट इज़ सिमिलर टू लाइक दैट कि आपका रेफरेंस पॉइंट क्या है किस रेफरेंस पॉइंट से आप देख रहे हो जैसे लास्ट ईयर अगर अपन ईयर ऑन ईयर बेसिस देखें लास्ट ईयर इसी टाइम पे इकोनॉमी की हालत बड़ी ख़राब थी अगर उसमें थोड़ा भी पॉजिटिव अपटिक हुआ तो इस साल ईयर ऑन ईयर कंपेरिजन में पिछले साल के इसी पीरियड में अभी की इकोनॉमी बेटर दिखेगी बिकॉज ऑफ दिस बेस इफेक्ट और वही लास्ट ईयर अगर बहुत अच्छी इकॉनॉमी होती आज भी अच्छी है बट उतनी अच्छी नहीं है तो ये बेस इफेक्ट के कारण ये नंबर है ना थोड़ा नेगेटिव पुअर दिखने लग जाता तो दिस इज़ बेस इफेक्ट बेस इफेक्ट से हम रिलेटिव कंपैरिजन करते हैं जैसे इकोनॉमी में इन्फ्लेशन में करस्पॉन्डिंग पीरियड ऑफ द प्रीवियस ईयर में इन्फ्लेशन रेट बहुत लो थी करस्पॉन्डिंग पीरियड ऑफ द प्रीवियस ईयर तो इस बार अगर स्मॉल राइज भी हुआ ना प्राइस इंडेक्स में तो वो ऐसा लगेगा कि बहुत ज़्यादा राइज हो गया वाई बिकॉज ऑफ लो बेस इफेक्ट तो लास्ट ईयर आईआईपी का बेस ईयर जो था लो बेस इफेक्ट था बिकॉज लास्ट ईयर इस टाइम पे इंडस्ट्री वॉज डूइंग गुड सो इस साल थोड़ा भी अपटेक हुआ है तो वो बहुत ज्यादा बढ़ के दिख दिख रहा है तो दिस इज बाय ये जो नंबर है इसमें बेस इफेक्ट को भी कंसिडर करना चाहिए ओके तो दिस इज इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन अब हमने ये टर्म देखा इकोनॉमिक इंडिकेटर कुछ दिन पहले हमने इसको और देखा था इकोनॉमिक इंडिकेटर के अलग अलग मायने क्या है हैव अ लुक एट नोट्स जैसे कि सेल्स क्या हो रहा है प्रोडक्शन ऑफ डिफरेंट पैरामीटर्स क्या है ऑटोमोबाइल का सेल क्या है रूरल और अर्बन मार्केट में स्टील एक्सपोर्ट लेवल क्या है मैन्युफैक्चरिंग ये सब इंडिकेटर्स हैं कंजम्पशन भी इंडिकेटर है ये इंडिकेटर्स बताते हैं जैसे ई वे पास है दिस इज ऑल्सो इंडिकेटर ये इंडिकेटर बताते हैं डायरेक्शन ऑफ इकोनॉमी स्टेटस ऑफ इकोनॉमी सो प्रिपेयर लिस्ट ऑफ ऑल द इम्पोर्टेंट इकोनॉमिक इंडिकेटर्स जितने भी ध्यान में आ रहे हैं ना सारे इकोनॉमिक इंडिकेटर्स लिख डालिए कमेंट ऑन द स्टेटस ऑफ इंडियन इकोनॉमी इन द बैकड्रॉप ऑफ कोविड नाइनटीन पैंडमिक अब ये जो सवाल है ना ये बड़ा जर्रलिस्ट सा सवाल है ये सवाल आपको हर जगह पूछा जाएगा पूछा जाएगा बिकॉज इसका सिग्निफिकेंस बहुत है कि जैसे आप इकोनॉमी पढ़ते हो तो आप कमेंट करो अभी इंडियन इकोनॉमी की स्टेटस क्या चल रहा है क्या वो आउट ऑफ वुड्स हो गई है नहीं हुई है तो क्या करना चाहिए सो so, कमेंट के साथ साथ कुछ सजेशंस भी लिखिए कमेंट ऑन द स्टेटस ऑफ इंडियन इकोनॉमी इन द बैकड्रॉप ऑफ कोविड नाइनटीन पैंडेमिक ओके अब ये आंसर आप प्रिपेयर करोगे ना तो एक बहुत अच्छा आपका टैम्पलेट तैयार हो जाएगा टैंपलेट मतलब एक रेडीमेड कुछ पॉइंटर्स आपके रेडी है जहां मौका मिले इन टैम्पलेट्स को यूज इट यूज़ इट फ्रिक्वेंटली मीन्स में स्पीड चाहिए होती है और एक सर्टेन क्वालिटी चाहिए होती है डेप्थ होनी चाहिए रेंज होनी चाहिए यही चीज़ जो होती है ना वो एक्चुअल में एग्जाम टाइम पे हेल्प करती है एग्जाम में तीन घंटे में आपको 20 से 25 सवाल करने जल्दी जल्दी पढ़ना आना चाहिए प्रश्न में क्या लिखा है और जो आपने पढ़ा उसको कॉम्प्रिहेंड करके क्विकली लिखना भी है अब ये सब डेटा आपके टिप्स पे याद होगा ना आप तुरंत तुरंत आंसर फ्रेम करना बहुत आसान हो जाएगा आपको एज इट इज क्वेश्चन रिपीट नहीं होता है बट जो भी क्वेश्चन आएगा उसमें ये टैंपलेट्स बड़े यूजफुल होंगे सो दैट इज वाई वी ट्राई टू राइट आंसर एवरी डे वी आर प्रिपेयरिंग अ लॉट ऑफ बिग रिपोजिटरी ऑफ दीज टैम्पलेट्स ताकि इन टैंपलेट से आप किसी भी टाइप का सवाल प्रश्न में आ जाए पेपर में आ जाए आप तुरंत उसको असेंबल करके एक बहुत अच्छा आंसर प्रिपेयर कर पाओगे दिस इज द वे ऑफ Preparing for this general studies. Okay. अब जो नेक्स्ट है वो है अफगानिस्तान सिचुएशन है नीड इंक्लूसिव डिस्पेंसेशन सी अफगानिस्तान में भी क्या प्रॉब्लम है यहाँ पे बहुत सारी एथनिसिटीज है अफगानिस्तान जो वैसे तो एक पूरा रीजन रहा है बट यहाँ पे बहुत सारे वॉरलॉर्ड्स भी रहे हैं। वॉरलॉर्ड्स तो ये एक कॉन्फेडरेशन टाइप का हमेशा से रहा है अफगानिस्तान प्लस यहाँ की टरेन इतनी डिफ़िकल्ट होती है तो कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि एक सेंट्रलाइज पावर है जिसने पूरे इसको अच्छे से कंट्रोल किया हो तो सेम अभी जो इशूज़ हैं वो इशूज़ फील कर रहा है तालिबान तालिबान को भी पावर लेना अलग बात है गवर्न करना एक दूसरी बात है जैसे ये मजार शरीफ है ये जो येलो जोन है ये ये मजार शरीफ है और ये जो येलो जोन है दिस इज़ पंजशीर पंजशीर में रेजिस्टेंस हो रहा था क्यों रेजिस्टेंस हो रहा था बिकॉज यहाँ पे भी जो प्राइमरली एथेसिटी है ना वो ताजिक है और उनका लिंकेज यहाँ पे ताजिकिस्तान से हो जाता है और ताजिकिस्तान का एक लिंकेज ईरान से भी है सो दैट इज वाई जब यहाँ पे एक्सटर्नल इंटरवेंशन हुआ पंजशीर जीतने के लिए ईरान ने तुरंत ऑब्जेक्शन उठाया फॉर्मर प्रेसिडेंट का एक स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट आया है कि यहाँ जो सिचुएशन डेवलप हुई है वो बहुत वरिजम है ईरान का स्टेटमेंट है सो द पॉइंट इज गवर्नेंस में इंक्लूसिव होना जरूरी है जो यहाँ पे वर्ड अभी देख रहा है लेट्स वेट एंड वॉच क्या होता है अब जैसे ये जो एरिया है ये जो एरिया है दिस इज़ पश्तून और पश्तून ये जो पाकिस्तान का भी जो पूरा नॉर्थ का पार्ट है ना यहाँ पे भी पश्तून रहते हैं यहाँ पे बलूच रहते हैं फिर इधर सिंधी पंजाबी रहते हैं इधर इस एरिया इस एरिया में पंजाबी रहते हैं तो पाकिस्तान में भी डिफरेंट डिफरेंट एथेनिसिटी है हजारा कम्युनिटी है यहाँ पे अफगानिस्तान में उज्बेक भी यहाँ पे रहते हैं एंड लुक ये सारे जो कंट्रीज हैं ये बॉर्डर शेयर करते हैं इन सब एथनिसिटी वाले सो दैट इज वाई यहाँ पे जो ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस डेवलप होगा वो किस डायरेक्शन में जाएगा ये देखने वाली बात है यहाँ पे लेट इज वेट एंड वॉच प्रिपेयर अ लिस्ट ऑफ ऑल ये सवाल हमने देखा हो गया ओके सो दिस इज द फ्रंट पेज ऑफ द हिंदू एवरेज डेट ऑफ फार्म हाउस होल्ड बड़ा है 57 परसेंट इन फाइव ईयर टिल 2018 ये नेक्स्ट पेज है हाईएस्ट रेनफॉल हुआ है हजार मिलीमीटर रेनफॉल हुआ है दिल्ली में दिल्ली में रेनफॉल नॉर्मल हो जाएगा इवन थोड़ा सरप्लस भी हो जाएगा प्रॉब्लम केवल दो ही है स्पेटियल और टेम्पोरल स्पेटियल डिस्ट्रीब्यूशन और टेम्पोरल डिस्ट्रीब्यूशन ऑल्टर हो गया बिकॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज तो उससे क्रॉप बोना और जो दूसरे वर्क हैं वो भी इम्पैक्ट हो रहे हैं लॉसेस ज़्यादा हो रहे हैं ये अर्बन विलेज है यहाँ पे लाइब्रेरी गिव्स मैनी रूम ऑफ देयर ओन लाइब्रेरी वंडरफुल देन दिस इज गणपति बप्पा आए हैं यहाँ पे गणेश चतुर्थी ऑन फ्राइडे बट कोविड नाइन्टीन अप्रोप्रिएट बिहेवियर फॉलो करना जरूरी है गोवा में वैक्सीनेशन ड्राइव हो रही है नया कोविन का फीचर है इसको अभी आगे देखते हैं दिस इज मानसून विदड्रावल कुड बी डिलेड दिस ईयर अब ये क्या होता है विड्रावल अगर हम बहुत बेसिक तरीके से मानसून देखें ना तो मानसून एक्चुअली क्या है कि ये इंडियन पेनन्सुला है इंडियन पेनन्सुल्ला लैंड है लैंड पे धूप आती है धूप आती है लैंड जल्दी गर्म होती है वाटर धीरे गर्म होता है ओके okay? तो जो लैंड अगर हॉट होती है यहाँ पर तो यहाँ पर लो प्रेशर जोन बनता है वाटर धीरे गर्म जो होता है तो यहाँ पे हाई प्रेशर जोन होता है तो विंड हमेशा फ्लो करती है फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर एरिया ये समर है ऐसे हो रहा है तो जब समर सीजन होता है तो विंड का डायरेक्शन ऐसे हो जाता है ऐसे फ्रॉम दिस ओशन टू लैंड मास विंड फ्लो कर रही है बिकॉज यहाँ लो प्रेशर है और यहाँ पे हाई प्रेशर है हम जमीन की बात करें सतह पर तो विंड ऐसे फ्लो करेगी विंड आ रही है बिकॉज ओशन से तो ओशन से विंड आएगी तो पानी साथ में लेके आएगी वो पानी साथ में लेके आती है और यहाँ लैंड मास में बारिश करा देती है बहुत क्रूड मैनर में दिस इज ऑनसेट ऑफ मॉनसून ऑनसेट ऑफ मॉनसून इन समर इंडियन पेनंसुला में अब आता है विंटर विंटर में ये फिर से लैंड है ये फिर से वाटर है लैंड जल्दी ठंडी हो जाती है वाटर धीरे धीरे गर्म होता है धीरे धीरे ठंडा होता है तो जो लैंड है यहाँ पे ठंडा ज़्यादा हो गया विंटर में तो यहां हो जाएगा हाई प्रेशर यहां हो जाएगा लो प्रेशर विंड अगेन फ्लो होती है फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर तो विंड अब फ्लो करने लग गई फ्रॉम लैंड मास टू ओशन डायरेक्शन रिवर्स हो गया अब लैंड मास से विंड आ रही है तो पानी नहीं होगा तो ये रिट्रीटिंग ऑफ मॉनसून हो जाता है एक और चीज इंपॉर्टेंट है वो है ये वाला कोस्ट ऑफ इंडिया दिस ईस्टर्न कोस्ट अब विंड ऐसे आ रही है बे ऑफ बंगाल से थोड़ा पानी कैरी कर लेगी तो यहां पर ना विंटर के टाइम पे भी बारिश होती है विंटर मॉनसून होता है दिस चेन्नई वाले जोन में तो दिस इज वेरी बेसिक क्रूड कॉन्सेप्ट ऑफ दिस मॉनसून इंडियन मॉनसून मॉनसून जो है ना ये अरब का वर्ड है अरेबिया अरब वाले वॉयजेस करते थे इंडिया के लिए तो जब कॉन्सेट ऑफ मॉनसून होता था ना जब इस डायरेक्शन में ऐसे मॉनसून आया है विंड ऐसे बह रही है तो वो इंडिया की तरफ आते थे फिर जब विंड ऐसे बहने लग जाती थी तो वो इंडिया से पेपर एंड ऑल जो भी एक्सपोर्ट कराना था उन्हें ट्रेड करना था उन आइटम्स को शिप में लेके ऐसे ट्रेवल करते थे तो दिस रिवर्सल ऑफ मॉनसून को ही अरेबियन वर्ल्ड में मौसम बोला और मॉनसून बन गया तो रिवर्सल ऑफ विंड इज कॉल्ड मॉनसून मॉनसून बोलते हैं रिवर्सल ऑफ विंड्स का जो होता है सीजनल रिवर्सल इसको मॉनसून बोलते हैं अब मॉनसून का विड्रॉवल है बिकॉज विंटर्स आ रही है मॉनसून अब ऐसे विड्रॉ करने लग जाएगा थोड़े टाइम पे तो ये तो था क्रूड कॉन्सेप्ट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हमने देखा कि चीजें इतनी आसान भी नहीं है इसमें बहुत सारे फिनोमिन लग रहे हैं वर्ल्ड लेवल के जिसे हिमालय और तिब्बतन प्लेटू का क्या कॉन्सेप्ट है ये फिजिकल बैरियर है सोर्स ऑफ हाई लेवल हीट है तिब्बतन प्लेटू इसका क्या इम्पैक्ट है मॉनसून में फिर सर्कुलेशन ऑफ अपर एयर जेट स्ट्रीम इन द ट्रोपोस्फेयर इसका क्या इम्पैक्ट है मॉनसून में एग्जिस्टेंस ऑफ अपर एयर सर्कम पोलर वर्ल्ड ओवर नॉर्थ एंड साउथ पोल्स इन द ट्रोपोस्फेयर बिकॉज एटमोसफियर तो वाई एक्सिस में भी है एक्स एक्सिस भी है तो वाई एक्सिस की जो इवेंट्स हैं वो मानसून पे क्या इम्पैक्ट डाल रही है फिर एक एनसो होता है अल नीनो एंड सदर्न ऑसोलेशन सदर्न पैसिफिक ओशन में फिर वॉकर सेल बनता है इंडियन ओशन में फिर इंडियन ओशन डायपोल भी बनता है तो ये जो सिक्स और पैरामीटर्स हैं ये भी इम्पैक्ट करते हैं इंडियन मानसून की फंक्शनिंग को जैसे ये आई टी सी जी है आई टी सी सी समर में ऐसे ऊपर लैंड तक आ जाएगा ये क्या है ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन जीरो डिग्री पर रहता है ये बेसिकली बट सन भी अपर एंड उत्तरायण में जा रहा है तो ये भी नॉर्थ की तरफ शिफ्ट हो जाएगा तो ये सारे फैक्टर्स होते हैं जो डिसाइड करते हैं फिर इंडियन मॉनसून का मैकेनिज्म एंड इट इज़ अ वेरी कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म इसका एफ प्रिपेयर्ड वन पीडीएफ आज ही मैं उसको शेयर कर दूंगा जिसमें ये जो छह पैरामीटर्स हैं बड़े अच्छे से एक्सप्लेन किए हुए हैं okay? ओके तो उसको एक बार जस्ट गो थ्रू इट एक बार एन की बुक भी देखिए और ये मॉनसून चैप्टर इज रेडी फॉर यू ओके ियल no, पेज है द इनफ्लेशन रिस्क इफ इट रिमेन्टेड मॉनिटरी पॉलिसी कमिटी कुड लूज क्रेडिबिलिटी बिकॉज आपका काम ही है फोर प्लस माइनस टू परसेंट इंटरेस्ट रखना दिस इन्फ्लेशन को रखना और आप वो कर नहीं पा रहे हो तो क्रेडिबिलिटी लूज होगी और इसको अवॉइड करना चाहिए ऐसा बोला शक्तिकांता दास साहब ने इंफ्लेशन आर बी आई का काम है इन्फ्लेशन टारगेटिंग ऑर्गेनाइजेशन भी है वो तो वो बहुत सीरियसली अपना काम करें एंकर करें इन्फ्लेशन को जो एक्सपेक्टेशंस है इन्फ्लेशन टारगेटिंग इज़ ज़रूरी प्रॉब्लम क्या है एक तरफ होती है लिक्विडिटी प्रोवाइड करो बिकॉज इकोनॉमिक रिकवरी करना है इन्फ्लेशन टारगेटिंग के लिए लिक्विडिटी का क्रंच करना पड़ेगा स्क्वीज करनी पड़ेगी हॉकिश मनी मॉनेटरी पॉलिसी करनी पड़ेगी और उससे फिर इकोनॉमिक रिकवरी रिस्क में आ जाएगी सो दैट इज़ बाई ये कैच ट्वेंटी सिचुएशन है बैलेंस फाइंड करना बहुत ज़रूरी है दिस इज़ इनडिसक्रिमिनेट फोर्स एंड होम स्वीट होम पिछले कुछ टाइम से कोविड आया तो वर्क फ्रॉम होम बढ़ गया लोगों को पता चला वर्क फ्रॉम होम से भी एफिशिएंसी आ सकती है कंपनीज को भी बड़ा फायदा हुआ वर्क फ्रॉम होम में इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह में पैसे नहीं लगते और वर्क फ्रॉम होम में कंपनीज कुछ ज़्यादा ही काम करवा लेती है जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन है सो द पॉइंट इज अब कोविड नाइन्टीन जैसे डिक्लाइन पर है तो वर्क फ्रॉम होम कंटिन्यू करना है या रेगुलर ऑफिस हम स्टार्ट करें हर चीज का कुछ प्रोज एंड कॉन्स है जैसे वर्किंग फ्रॉम होम का प्रोज क्या है फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी है आप जल्दी जल्दी काम कर लो दिन भर का देन आपके पास काम कंप्लीट हो गया है, तो यू विल हैव सम स्पेयर टाइम फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा होगी फोकस बेटर होता है आप कंफर्टेबल सिचुएशन में वर्क कर रहे हो घर पे तो अटेंडेंस एंड पंक्चुअलिटी भी बेटर होती है सोशल आइसोलेशन होता है यहाँ पे कोलैबोरेशन बेटर होता है जैसे टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो गई है गूगल में टीम गूगल टीम है माइक्रोसॉफ्ट का टीम है कोलैबोरेशन ऑफ वर्क बहुत ईजी हो गया है लिमिटेड एक्सेस टू इंफॉर्मेशन है ये भी एक चैलेंज है तो वर्किंग फ्रॉम होम के कॉन्स क्या है इक्विपमेंट्स कॉस्टली है जैसे गैजेट्स वगैरह लोअर प्रोडक्टिविटी कई बार बोलते हैं घर पे मन नहीं लग रहा है एक्सेट्रा प्लेंटी ऑफ डिस्ट्रेक्शन होते हैं घर पे आप काम करने वाले हो अचानक कुछ ट्रबल्स डिस्ट्रेक्शन हो गए तो आपका वर्क हेम्पर होगा टेक्नोलॉजी सपोर्ट रिमोट एम्प्लॉय को प्रोवाइड करना एक चैलेंज होता है तो सिलिकॉन वैली मतलब कैलिफोर्निया यहाँ अभी यही डिबेट डिस्कशन है कि वर्क फ्रॉम होम जो है इसको कंटिन्यू करें या नहीं करें हर चीज़ के कुछ प्रोज एंड कॉन्स हैं और कोविड भी अभी कंप्लीटली गया नहीं है आइडियल वे अगेन वही होगा कि मिक्सड फॉर्म ऑफ वर्क फोर्स रखना पड़ेगा हाइब्रिड हाइब्रिड कुछ को ऑफिस बुलाओ ऑफिस आवर्स भी फ्लेक्सिबल हो ताकि एक डिसिप्लिन एंड रूटीन आए जो ऑफिस है ना वो भी जरूरी होता है प्लस एट द सेम टाइम फ्लेक्सिबिलिटी रखो वर्क फ्रॉम होम के तो दिस कुड बी द वे फॉरवर्ड फॉर एटलीस्ट वन ईयर ऑनवर्ड्स टू अदर टॉवर्स दैट फेल यहाँ बात है वर्ड कैसे चेंज हुआ इस नाइन इलेवन टू थाउजेंड वन केस के बाद मुस्लिम पॉलिटिको फोबिया एक्चुअली हमारे यहाँ क्या होता है हर चीज ना वोट बैंक पॉलिटिक्स होती है वोट बैंक पॉलिटिक्स ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है इस वोट बैंक पॉलिटिक्स पेटी पॉलिटिक्स के कारण जो नेशनल इंटीग्रिटी है वो कई बार कॉम्प्रोमाइज हो जाती है देन दिस इज द ट्राइम ऑफ द नेशन स्टेट टू डेकेटर द सिस्टम ऑफ स्टेट्स लुक्स क्वाइट रॉबोस्ट आफ्टर एंड द चैलेंज फ्रॉम इंटरनेशनल टेररिज्म सी ये मंडाला साहब ने लिखा है काफ़ी अच्छा टेक दिया है इसमें कि ये जो वॉर ऑन टेररिज्म है पिछले बीस साल में इसमें क्या डेवलपमेंट हुए क्या चेंजेस हुए और आगे ये कैसे कैरी फॉरवर्ड होने वाला है तो एक चीज़ तो क्लियर है जो हमने पहले भी बोला है कि इट इज़ नॉट अबाउट रिलीजन इट वॉज नेवर अबाउट रिलीजन इट इज़ ओनली एंड ओनली अबाउट पावर इट इज ओनली एंड ओनली अबाउट हैजी मनी इट इज ओनली एंड ओनली अबाउट मनी बाकी जो सब चीजें है ना वो केवल मुखोटा है असली चीज केवल यह है द्राइम ऑफ द नेशन स्टेट और सेकेंड आइडेंटिटी क्या है आइडेंटिटी क्या है आइडेंटिटी होती है हमेशा नेशन पे जो नेशन आपका पासपोर्ट पे लिखा हुआ है वो आपकी आइडेंटिटी है और वो ही आइडेंटिटी बिकॉज स्टेट ही आपको सारी चीजें प्रोवाइड करा रहा है स्टेट को आप टैक्स देते हो स्टेट आपको सारी सर्विसेज फैसिलिटीज गवर्नेंस प्रोटेक्शन सिक्योरिटी एवरीथिंग ये जो स्टेट है ना वो प्रोवाइड कराता कर है तो एज अ सिटीजन हमारी लॉयल्टी हमारी बाइंडिंग बाइंडिंग किससे होती है स्टेट से होती है ये जब अपन पॉलिटिकल साइंस पढ़ते हैं ना तो मैक्या वैली और इन्होंने बताया कि नेशन कम्स फर्स्ट नेशन जो होता है नेशन बिल्डिंग ऐसे ही किया गया जो अभी आज की मॉडर्न डे डेमोक्रेसी और मॉडर्न डे गवर्नेंस है कि इट इज़ अबाउट नेशन नेशनैलिटी अब जैसे यहाँ के कुछ क्राइसिस बताए इन्होंने कि जैसे नाइन अलेवन का क्राइसिस हुआ एम्बिशन ऑफ जिहादि ऑर्गेनाइज द नाइन इलेवन अटैक था टू डिस्ट्रॉय अमेरिका ओवर थ्रू द अरब रिजीम अनलिश अ वॉर विद इसराइल पिट द बिलीवर्स अगेंस्ट द इनफेडल्स ये अभी भी एक इलूज एज एवर है ये रियालिटी नहीं है और ये ऐसा कुछ अचीव भी इनका हुआ नहीं तो ये मिडिल क्रूसेड्स जब अमेरिका ने किए तो इसमें ब्लड एंड ट्रेजर दोनों का लॉस हुआ अमेरिका का बट एक्चुअली में अमेरिकन इकोनोमी को काफ़ी बेनिफिट होता है जब भी ऐसी वॉर लाइक सिचुएशन होती है दे टुक वैल्यूएबल रिसोर्सेज अवे फ्रॉम अमेरिकाज ओन इंटरनल नीड्स ब्लाइंड हो गया अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या हुई अमेरिका का पूरा फोकस हो गया दिस मिडिल ईस्ट पे कि मिडिल ईस्ट में वॉर ऑन टेररिज्म करना है और मिडिल ईस्ट में अमेरिकन प्रेजेंस बढ़ाना है इससे क्या हुआ आपका पूरा फोकस इस जोन पे हो गया तो जो दूसरी जरूरी चीजें थी ना वहां अमेरिका का डीफोकस हुआ और वो था चाइना दे ऑल्सो ब्लाइंडेड द यूएस टू एन इमर्जिंग चैलेंजर चाइना ऑन द होराइजन वॉशिंगटन ऑब्सेशन विद द मिडिल ईस्ट गेव बीजिंग टू वैल्यूएबल डेकेट टू कंसोलिडेट इट्स राइज विदाउट एनी हिंड्रेंस और इसका कॉस्ट अभी यूएसए पे कर रहा है सो दैट इज वाई ब्लाइंड नहीं होना चाहिए जैसे हमारे यहां इंडिया में भी जो पॉलिटिकल डिस्कोर्स होता है स्ट्रैटेजी फॉर्मूलेशन हो जाता है हम ब्लाइंड हो जाते हैं दिस पाकिस्तान के थ्रेट से जबकि पाकिस्तान इज नॉट अ रियल थ्रेट रियल थ्रेट इज चाइना हम इसकी तरफ ब्लाइंड हो जाते हैं सो वी शुड बी अवेयर ऑफ दिस थिंग मीन जो चाइना है उसने एम्बार्क किया बोल्ड मिशन ऑफ दिस सीनीसाइज चाइना क्या करता है हर चीज़ का एक चाइनीज वर्जन लाता है तो चाइना का फिलॉसफी ये है कि जो इस्लाम है ना वो इस्लाम भी चाइना का वर्जन होना चाहिए पार्ट ऑफ ग्रैंड डिजाइन टू सबॉर्डिनेट रिलीजन टू मिस्टर शी जिनपिंग्स थॉट तो, तो दैट इज़ वाई जैसे शिजियांग वगैरह में जो हो रहा है कंसंट्रेशन कैंप लगा रहे ये शी जिनपिंग फिलॉसफीज है चाइनीज प्राइमरली एथिस्ट होते हैं तो वो एथिज्म को ज़्यादा फोकस करते हैं और रिलीजन को एज अ मेंटल डिसीज़ टाइप वहाँ माना जाता है

ये हम क्यों पढ़ रहे हैं एक्सटर्नल सिक्योरिटी में जैसे अभी तालिबान और यहाँ जो एक्सेस बन रहा है इसमें क्या आउटकम होंगे और चाइना का डेफिनेटली यहाँ पे इंटरेस्ट बढ़ता जा रहा है और जो सी पैक है वो इंडियन टेरिटोरी से पास हो रहा है तो सी पैक इज़ इलीगल यहाँ जो चीज़ें होगी उसका क्या रिपरकशन होगा इंडियन एंड इंटरेस्ट में इस चीज़ पर हमें ध्यान देना ज़रूरी है प्लस आइडेंटिटी नेशन बेस्ड है बजाय दिस रिलीजन बेस्ड जैसे यहाँ सऊदी में भी जो बात है सऊदी भी बेसिकली सऊदी भी फाइट कर रहा है एक तरफ उसे चैलेंज मिल रहा है एक्सेस से कतर दिस पाकिस्तान टर्की मलेशिया दूसरा वहाँ पर भी वो रिफॉर्म्स की ट्राई कर रहे हैं रिफॉर्म्स सो दिस इज़ ऑल्सो वन थिंग ईरान में अभी भी न्यूक्लियर डील नहीं हुआ है यहाँ अगर क्या होगा ईरान में अगर न्यूक्लियर डील हो जाएगा तो इंडिया के लिए काम आसान हो जाएगा हम ईजिली वहाँ से क्रूड ऑयल इम्पोर्ट कर पाएंगे तो ये जो चर्न चल रहा है ना ये चर्न इट्स जस्ट अ बिगिनिंग अभी कुछ और टाइम पे यहाँ बहुत ज़्यादा चर्न होना है दिस पावर एंड पॉलिटिकल टस्सल इसलिए हमें जरूरी होगा कि हम इंटरनल और एक्सटर्नल फ्रंट पे खुद को सेफ गार्ड करें और सेफ गार्ड करने का एक ही ऑप्शन है कि वी शुड बिकम स्ट्रोंगर वी शुड बिकम स्ट्रोंगर स्ट्रोंगर इन एवरी वे इकोनॉमिक फ्रंट पे सिक्योरिटी फ्रंट पे टेक्नोलॉजी फ्रंट पे और जो नेक्स्ट लेवल चीजें हैं जैसे फाइव जी हुआ ए आई हुआ टेक्नोलॉजी हुआ वी शुड फोकस ऑन दिस स्पेस हुआ प्लस हमारी फॉरेन पॉलिसी बहुत ज्यादा रियलिस्ट रही है इसमें आइडियलिज्म ज्यादा दिखा है और इसकी कॉस्ट हम पे करते हैं अक्सर वी नीड टू बिकम प्रैग्मेटिक वी नीड टू बिकम प्रैग्मेटिक दिस शुड बी अवर वे फॉरवर्ड द इंडिया एडवांटेज जियो पॉलिटिक्स इकोनॉमी रेडिकली चेंज हुई नाइन इलेवन में इंडिया को काफी फायदा भी हुआ है इससे अमेरिका ने अमेरिका को ही डिस्ट्रॉय किया है ये ऑस्ट्रेलिया के फॉरेन मिनिस्टर है अब जो ऑस्ट्रेलिया है ना इसकी भी चाइना से क्लैशेज होते हैं चाइना और ऑस्ट्रेलिया में अक्सर टेंशन होता है तो ऑस्ट्रेलिया और ये जो क्वाड बन रहा है ये भी एक नया पावर ब्लॉक बन रहा है अब इसमें भी एक प्रॉब्लम ये है कि इंडिया इंडिपेंडेंट रहे बिकॉज हमारी एक बहुत बड़ी बॉर्डर चाइना के साथ शेयर करती है हम डायरेक्ट वॉर फ्लूटिंग में आएंगे ना तो लॉसेस हमारे होंगे तो पीस बॉर्डर पर रहना ज़रूरी है इंडिया को डिप्लोमेटिकली और टैक्टफुली दिस चाइना से डील करना चाहिए फॉरेन मिनिस्टर ने इवॉल्वड स्विफ्टली एंड इफेक्टिवली देन दिस इज द वर्ल्ड न्यूज़ एज फ्लाइट्स रिज्यूम द फ्लाइट ऑफ अफगानीलाइज टेस्ट बाइडनस वाउज दिस आइसोलेटिंग अफगानिस्तान विल हैव कॉन्सिक्वेंसेस पाकिस्तान को एक नया ट्रम्प कार्ड मिल गया ये पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर है इनका एक्सेंट बड़ा बड़ा अच्छा एक्सेंट है इनका

बट अब इसमें क्या होता है कि यहाँ मिडिल ईस्ट में दे ट्राई टू पॉलिटिसाइज इट दे ट्राई टू प्रोपोगेंडा इट और इससे फिर क्या होगा कि क्लैश होते हैं रिफ्यूजी क्राइसिस में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है कि यू गो टू न्यू प्लेस यू गो टू न्यू एरिया उसका अपना एक अलग कल्चर है अमेरिका का अमेरिकन रहन सहन बहुत अलग है बट अब वहाँ पे क्या होगा न्यू लोग आएंगे रिफ्यूजीज आएंगे तो क्लैशेज ऑफ आइडियोलॉजीज होगी एंड दिस क्रिएट अप ट्रबल तो रेफ्यूजी जब भी टॉपिक हम पढ़ते हैं इसमें यह चीज आता है कि इंटरनल जैसे यूरोप में भी हमने देखा था सीरिया वगैरह क्राइसिस के बाद यूरोप में हुए थे पॉकेट्स में सो द पॉइंट इज दफ्यूजी क्राइसिस आता है तो इसमें जो आइडेंटिटीज है उसको कैसे कैरी फॉरवर्ड करें फेलियर ऑफ इमेजिनेशन वरना क्या होता है स्टीरियो होता है और ब्रांडिंग हो जाती है लेबल हो जाता है ये चीज फिर और फर्दर डैमेज करती है सोशल फैब्रिक को 1965 बैटल ऑफ असल उत्तर इन द रोल ऑफ अब्दुल हामिद आप परमवीर चक्र है परमवीर चक्र आपने अकेले अपने दम पे नाइन टैंक्स को उड़ाया था नौ नौ टैंक्स को उड़ाया था 1965 वॉर में सैल्यूटिंग अब्दुल हामिद द डिस्ट्रॉयर ऑफ नाइन पाकिस्तानी टैंक ऑनर किया गया परमवीर चक्र से पट्टन नगर ये पंजाब में तो अभी आर्मी इस इवेंट को सेलिब्रेट कर रही है और ऑनर कर रही है ऑनर कर रही है कंपनी क्वार्टर मास्टर हवलदार अब्दुल हामिद परमवीर चक्र पॉस्ट्यूमसली ऑफ फोर ग्रेनेडियर्स एट इज ग्रेव एंड वॉर मेमोरियल लोकेटेड ऑन द आउटस्कर्ट्स ऑफ दिस चीमा विलेज इन पंजाब सो दिस इज 1965 वॉर अब यहाँ पर नेक्स्ट है अभी जैसे क्या हुआ कोविन है ना कोविन ऐप है नो योर कस्टमर क्लाइंट वैक्सीनेशन स्टेटस एक नया इसमें फीचर आया है कि किसी का भी एम्प्लॉय का देखना है आपको कि आपके यहाँ वर्क कर रहा है उसने वैक्सीनेशन वगैरह लगाया है या नहीं लगाया है इसको ऑफिशियली वेरीफाई करा पाएंगे तो ऐसा इसमें चेंजेस आए अब प्रॉब्लम ये आएगा कि इससे प्राइवेसी का क्या होगा प्राइवेसी वैक्सीनेशन कराया नहीं कराया ये इंडिविजुअल है प्राइवेसी है प्राइवेट मैटर है तो इससे क्या प्राइवेसी कॉम्प्रोमाइज तो नहीं हो जाएगी दिस इज ऑल्सो वन थिंग व्हाट्सएप अब अब एंड टू एंड एनक्रिप्शन ऑप्शन दे रहा है बैकअप्स के लिए एप्पल मस्ट ईज एप स्टोर रूल्स यूएस जज ऑर्डर मोनोपोली और डिस्ट्रस्ट जो हो रहा है टेक कंपनीज में उसका ही एग्जाम्पल है गवर्नमेंट अलाउज डिस इन्वेस्टेड पी एस यूज प्रीवियस लॉसेज अब जैसे जियो फोन आ रहा था नेक्स्ट जो बड़ी प्रॉब्लम आने वाली है ना वो आ रही है चिप शॉर्टेज की कोविड लॉकडाउन और सप्लाई साइड बॉटल नेक के कारण चिप का शॉर्टेज हो रहा है तो जियो फोन है ये भी अभी डिले हो रहा है मैगजिमम ऑटोमोबाइल सेक्टर में भी प्रॉब्लम आ रही है चिप शॉर्टेज की आई आर डी ए आई दिस इज़ डब्ल्यू टी सी पैक्ट और दिस इज़ फाइनल टेस्ट कैंसिल हो गया बिकॉज फिजियो जो है इंडियन टीम का कोविड पॉजिटिव आ गए थे तो पूरी टीम ने खेलने से मना कर दिया और ये टेस्ट मैच फिफ्थ जो टेस्ट होना था कैंसिल हो गया इसका भी एक थ्योरी आ रहा है आईपीएल भी अभी होना है तो दे नीडेड सो दिस इज़ अगेन वन डेवलपमेंट और यूएस ओपन में जोकोविक फाइनल पहुंच गया है अब हम पढ़ते हैं टॉपिक क्लासिफिकेशन ऑफ नेचुरल डिजास्टर्स ये जो टॉपिक है ना ये बहुत ज्यादा हाई एल्डिंग टॉपिक है यहाँ जितने भी डिजास्टर्स दिए हैं ये इन सब के बारे में यू शुड बी नोइंग अ कंटेंट की आप दो पैराग्राफ बड़ा अच्छा क्वालिटी लिख पाओ इतना आपको बेसिक्स पता होना चाहिए हर डिजास्टर का डिजास्टर जैसे एटमोस्फेरिक डिजास्टर क्या होती है ब्लिजार्ड क्या होता है थंडर स्टॉम लाइटिंग टोर्नेडो ट्रॉपिकल साइक्लोन ड्रॉट हेल स्टॉम फ्रॉस्ट हीट वेव लू कोल्ड वेव क्लास इलेवेंथ एनसीआर फिजिकल का लास्ट चैप्टर है ये सब बड़े अच्छे से दिया हुआ है अर्थक्वैक विक लैंडस्लाइड एवेलॉन्च सब्सिडेंसिडेंस और सॉइल इोजन ये टेरेस्ट्रियल है एक्वेटिक में फ्लड आते हैं बहुत फ्लड आए इस बार टाइडल वेव ओशन करेंट स्टॉम सर्ज और सुनामी बायोलॉजिकल भी हुआ है जैसे लॉक्यूस्ट अटैक पढ़ा था हमने प्लांट एंड एनिमल फंगल बैक्टीरियल फ्लू डेंगूलॉजिकल हमें पता होना चाहिए सो so इसपे सवाल है वॉट यू अंडरस्टैंड बाई द टर्म डिजास्टर सजेस्टम डूज एंड डोन्स टू शील्ड अवर सोशियो इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट फ्रॉम एवर रेकर पहले तो आप बताओ डिजास्टर क्या होती है डिजास्टर भी अब अगर कैटेगरी बताना है ना तो ऐसे सब हेडिंग लगानी चाहिए कि ये, ये, ये की है ये एक्वेटिक। जब अपन हेडिंग्स सब हेडिंग्स यूज करते हैं ना तो आंसर ज्यादा ऑर्गेनाइज नजर आता है स्ट्रक्चर उसका अच्छा दिखता है तो ऐसे सब हेडिंग्स पता होनी चाहिए फिर आप बताओ डूज एंड डोंट्स क्या करें सोशियो इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट को ध्यान में रखकर कि जो डिजास्टर ंग हो रही है हर महीने डिजास्टर आ जाती है कुछ ना कुछ और इंटेंसिफाई हो रही है सीवियर हो रही है तो वट शुड बी डन सोशो इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट में तो दो पार्ट है पहला पार्ट डिजास्टर दूसरा पार्ट डूज एंड डों सोशो इकोनॉमिक एंगल से एवर रिकरिंग और इंटेंसिफाइंग डिजास्टर्स का ओके दिस इज सेकेंड क्वेश्चन डिजास्टर में ही आज हम समझते हैं साइक्लोन इंडिया में कहा आते हैं और साइक्लोन रिलेटेड बेसिक्स साइक्लोन सबसे ज्यादा आते हैं इस कोस्ट पे यहां पर यहाँ वेस्ट बंगाल से स्टार्ट हो गया उड़ीसा हो गया आंध्रा हो गया तमिलनाडु यहां जो है ना बे ऑफ बंगाल से सबसे ज्यादा साइक्लोन आते हैं इधर के साइक्लोन अरब तरफ चले जाते हैं यहां कम ही आते हैं बट पिछले कुछ टाइम से यहाँ पर भी साइक्लोन ज्यादा दिख रहे हैं गुजरात महाराष्ट्र कर्नाटका केरला गोवा इधर तो साइक्लोन्स बिकॉज ओशियंस हैं तो साइक्लोन इज बिग डिजास्टर हियर इन इंडियन पेनंसुला अब ट्रॉपिकल स्टम्स कैसे बनते हैं स्टॉम्स कुछ नहीं है एटमोसफियर है कहीं पर भी लो प्रेशर जोन बन गया मतलब जैसे अप अप ज्यादा जा रही है अप ड्राफ्ट हो रहा है विंड का तो सतह पे लो प्रेशर जोन बन गया हवा कम है प्रेशर कम है अगर लो प्रेशर है तो आसपास की सारी विंड उस प्रेशर को भरने के लिए उधर आएगी विंड ऐसे उसको भरने के लिए आएगी विंड सब डायरेक्शन से ऐसे आ रही है हमें कोरियोल फोर्स भी पता होता है विंड ऐसे डायरेक्शन मिल जाता है वो घूमने लग जाती है तो विंड जब ऐसे कन्वर्ज हो रही है तो वो ऑब्वियसली वाई एक्सेस पे ही ऊपर जाएगी समुद्र के अंदर तो जा नहीं सकती ऊपर की तरफ बढ़ेगी और फिर कोरियोलिस फोर्स भी आ जाएगा तो विंड ऐसे करके ऐसे एक फनल बन जाता है फनल बन जाता है और फिर ये ही बनाता है बाद में साइक्लोन इसकी कुछ प्री कंडीशन होती है कि प्री कंडीशन मतलब जैसे वार्म सी सरफेस टेम्परेचर होना चाहिए छब्बीस दशमलव पाँच के तकरीबन एटमोस्फियर इनस्टेबिलिटी होना चाहिए पहले से ही थोड़ा एक लो प्रेशर एरिया है लो साइक्लोन है ह्यूमिडिटी ज़्यादा है विंड होनी चाहिए बिकॉज लेटेंट हीट यहीं से आ रही है लोअर मिडिल ट्रोपोस्फेयर में भी हाई ह्यूमिडिटी होना चाहिए कोरियोलिस्ट फोर्स होता है तो लो प्रेशर सेंटर में रोटेशन आता है प्री एग्जिस्टिंग लो लेवल डिस्टर्बेंस और लो वर्टिकल विंड शेयर विंड शेयर मतलब जैसे वाई एक्सिस में हमें ऐसे बनाना है अगर ऐसे विंड शेयर ज्यादा हो रहा है तो वो बन ही नहीं पाएगा तो विंड शेयर कम होना चाहिए वाई एक्सेस में ऐसे तो इस तरीके से ऐसे साइक्लोन्स बन जाते हैं कैटेगरी करना है तो स्पीड पे डिपेंड करता है कम स्पीड है तो मिनिमल ज्यादा है तो कैटास्ट्रॉफिक कैटेगरी फाइव दो सौ बावन से ज़्यादा की स्पीड पे तो दिस इज सिम्सन हरिकेन विंड स्किल अब हरिकेन क्या है हरिकेन भी एक काइंड ऑफ साइक्लोन ही है ये जो साइक्लोन्स प्राइमरली इस जोन में ज्यादा आते हैं साइक्लोन्स का अलग अलग नाम है जैसे ऑस्ट्रेलिया में विली विली बोल दिया चाइना जापान इधर ईस्टर्न में टाइफून्स बोल दिया इंडियन ओशन में इसको बोल दिया साइक्लोन्स फिर ये अटलांटिक है यहाँ कैरेबियन है इधर हरिकेन बोल दिया हरिकनज हो गए तो दीज आर डिफरेंट नेम्स प्राइमरली सब ये एटमोस्फेरिक डिजास्टर्स हैं ओके अब हम देखते हैं ये ईजी था यहाँ से स्टार्ट करिए डायरेक्शन बताते जाइए फाइनल जो एम का डायरेक्शन है वो ऐसे ईस्ट है के से ये भी बड़ा इजी था ओ से ऐसे गए ना बी से ओरिजिन से इधर गए थर्टीन किलोमीटर तो था ये तीन है, तो दिस इस वन, तो वन किलोमीटर दूर है डायरेक्शन क्या है टूवर्ड्स तो दिस साउथ तो दिस इज वन किलोमीटर जब भी ये सवाल करने हैं ना आप उसको फॉलो करते जाओ जिस डायरेक्शन में जा रहा है उस तरफ फेस करो ये लेफ्ट है ये राइट है फिर जब इस डायरेक्शन में जाएगा तो ऐसे फेस करो तो इधर क्या हो जाएगा इधर राइट हो जाएगा इधर लेफ्ट हो जाएगा ऐसे इमेजिन करके जस्ट ड्रॉ फिर जहां फाइनल आ गया ओरिजिन आ गया इसके बीच का डिस्टेंस देखो कई बार होगा ये आंसर आ जाता है आसान होते हैं ये गलत नहीं होने चाहिए सिमिलरली यहाँ पे भी पहले इधर था घुमा एंटी क्लॉक ये हो गया क्लॉक ये हो गया डू इट यू विल गेट आंसर साउथ आज का सवाल है द टू बस टिकट्स फ्रॉम सिटी ए टू बी एंड थ्री टिकट्स फ्रॉम सिटी ए टू सी कॉस्ट सेवेंटी सेवन

यू थिंक कि एग्जाम के पहले हम सब खा लेंगे ऐसे नहीं होता यू हैव टू डू समथिंग एवरी डे वो ही चीज मैटर करती है इस टाइप के एग्जाम में इट इज नॉट सेमेस्टर एग्जाम और जो जोश है ना ये मेंटेन रहना चाहिए थ्रू आउट वन ईयर थोड़ा थोड़ा करोगे तो ये वन ईयर पांच साल में कन्वर्ट हो जाएगा पता भी नहीं चलेगा ओके okay? एक बार ही पढ़ो और पूरा फुल थ्रॉटल लगाओ जान लगा दो पढ़ने में यू विल गेट बेटर रिजल्ट ओके

so do this this is 11th of september 2021 thank you so much for watching this video take care study well and be safe